दूसरी शादी करने और बेटा नहीं होने से नाराज पिता ने दो मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। रात करीब 8:30 बजे बच्चियों की दादी घर पहुंची तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। खोलकर देखा तो अंदर दोनों बहनें अचेत पड़ी थी। घटना उत्तराखंड के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र की केशवपुरी बस्ती की है। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि वहां एक घर में दो बच्चियां मृत मिली हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। कोतवाल ने बताया कि बच्चियों की पहचान आंचल 3.5 साल और अनुषा 1.5 साल पुत्री जितेंद्र सहानी निवासी दरभंगा बिहार के रूप में हुई है। जितेंद्र यहां कबाड़ बीनने का काम करता है। इन दिनों वो दोनों बेटियां और मां दुर्गा देवी के साथ यहां रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी रीना झगड़े के कारण घर छोड़कर कहीं चली गई है। जितेंद्र और उसकी मां शुक्रवार को भी काम पर गए थे। रात को जब आरोपी की मां दुर्गा देवी घर वापस आई तो अंदर का नज़ारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के अनुसार बच्चियों के गले पर निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर उनकी हत्या की गई है। उधर पड़ोस में रहने वाली बच्चियों की नानी आशुदेवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि बेटा नहीं होने के कारण जितेंद्र और उसकी मां उनकी बेटी रीना को आए दिन ताना मारते थे और मारपीट भी करते थे। इससे तंग आकर वो कुछ महीने पहले मायके चली गई थी। वहां से लौटकर आई तो फिर भी ससुराल वालों का यही रवैया रहा। आखिरकार तंग आकर 2 महीने पहले वो घर छोड़कर हैदराबाद चली गई। आरोप है कि शुक्रवार को जितेंद्र ने दोनों बेटियों की हत्या कर दी और फरार हो गया। कोतवाल का कहना है कि मामले में जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी शादी के लिए बच्चियों को मारने की धमकी देता था। आशुदेवी ने आरोप लगाया कि जितेंद्र अक्सर गुस्से में रहता था, कहता था बच्चियों के कारण उसकी दूसरी शादी नहीं हो पा रही है। वो उन्हें अक्सर मारने की धमकी भी देता था, कहता था कि रीना नहीं आई तो बच्चियों को नहीं छोड़ूंगा। आए दिन वो अपने ससुराल पहुँच जाता था और बेटा नहीं होने को लेकर पत्नी से झगड़ा करता था। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये यूट्यूब चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।